क्षेत्र फतेहपुर में इस बार चौकोना मुकाबला होगा। भाजपा के शीर्षस्थल नेता भी इस क्षेत्र फतेहपुर से मैदान में बतौर आजाद उतरे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार को मनाने में असफल रहे। शीर्षस्थल नेता की कृपाल परमार को मनाने की मेहनत पर पानी फिर गया। कृपाल परमार नूरपुर के पैराशूटी को फतेहपुर में टिकट देने से आहत है तथा पैराशूटी नेता के खिलाफ कई खुलासे भी कर चुके हैं। भाजपा नेता कृपाल परमार लंका ढहाने के लिए बेताब है। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जब भाजपा नेता कृपाल परमार नहीं माने तथा उन्हें सिलाई मशीन निशाना भी मिल गया। पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत के भाजपा से बागी होने उपरांत कोई भी भाजपा नेता फतेहपुर में जीत दिलवा नहीं पाया है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं आपका विधायक ही नहीं हूं, जबकि वो आपकी वोटों के कारण जीता था, लेकिन जब वो माहौल बदल गया तो उसने भी पाला बदल लिया और आप लोगों को मझधार में छोड़ दिया। आज फतेहपुर में आके तो वो संगठन की बात कर रहे हैं कि संगठन के साथ चलो, बीजेपी के साथ चलो, कमल के फूल के साथ चलो, केंद्र की सरकार के साथ चलो, लेकिन मैं उसको पूछता हूं कि जहां से जाते हुए गिरेड़ी के बाद तुम्हारे सुर क्यों बदल जाते हैं? नूरपुर में जाते ही तुम्हारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रणवीर सिंह निक्का का विरोध क्यों करते हैं? सुलियाली और लदोड़ी के उसके रिश्तेदार जो हैं वो कांग्रेस ज्वाइन क्यों कर गए हैं? उसमें फिर एक भेद है, और भेद ये है कि वो चाहता है कि मैं फतेहपुर से जीत जाऊं और वहां से निक्का हार जाए, मेरे लिए फिर सीट खाली हो और फिर आपको जीतने के बाद भी छोड़ देगा, ऐसा मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। 40 साल से राजनीति में हूं। आपने कभी सुना कि कोई आदमी कहे कि मैं कृपाल परमार के घर गया था डीओ नोट लेने और कृपाल परमार के बेटे ने पैसों की मांग की? लेकिन नूरपुर नहीं, हिमाचल प्रदेश में मैं हजारों कर्मचारी और अधिकारी खड़े कर सकता हूं जो वो ये कहेंगे कि हम राकेश पानिया के पास गए, उसने पैसे मांगे, पैसे दिए तो काम हुआ। जंगलों के जंगल साफ हो गए, खैर से लेकर देवदार के जंगल काट दिए गए, उनको बाहर जाके बेच दिया गया। और तो और जो कोई भी व्यक्ति होता है, कोई बुरा काम करना होता है तो 2-4 गांव छोड़ के काम करता है। उनकी जो क्या है बीट का नाम क्या है जहाँ पे दान कटा मिलता नहीं है, गेन लगोड़ नहीं और बीट का नाम ऐसा वहां पर जिसमें उनका घर पड़ता है उसी बीट में 2500 सरकारी पेड़ कट गए, उसकी ना कोई FIR दर्ज हुई ना अपने वन के अधिकारियों पे कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि वो काम करने वाले इनके परिवार के खुद के लोग थे। प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहे हैं, 3 करोड़ के बोगस बिल बनके DFO के ऑफिस में पड़े हैं, RO बिल बनाता है और एंस्टा न्यूज़ ने फतेहपुर